प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शिरकत किए एवं जिले के 37 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ज्ञान वह चीज है जिसे बांटने से वो निरंतर बढ़ती रहती है। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए 701 आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे, हजारों शिक्षकों की भर्ती की जाएगी एवं स्कूलों में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ शालाओं में एक दिन छत्तीसगढ़ी विषय की पढ़ाई भी कराई जाएगी। शिक्षक दिवस बेमेतरा की बहुत पुरानी परंपरा और यहाँ के शिक्षक दिवस में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ अपनी उपस्थिति दी है, जिसमें चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम हो, बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी परंपरा शिक्षक दिवस का बेमेतरा के आयोजन समिति ने मनाया और इस परंपरा को बढ़ाने में यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके भी योगदान रहा, डॉक्टर चेतन वर्मा हो, आशीष हो, चाहे हमारे ताम्रध्वज साहू जी, सब लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं का सम्मान, गुरु का जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है, तो सम्मान तो होना ही चाहिए और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी गुरुजनों का सम्मान किया गया, सबको बधाई शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहे, साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण कुमार पलटा, संरक्षक शिक्षक सम्मान समारोह समिति बेमेतरा के संरक्षक एवं विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा और अधिकारी कर्मचारी के साथ नगर के शिक्षक गण बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट।